अब आप भी हमारे पसंदीदा टॉयज ऑर्डर कर सकते हैं www.funtoonkids.com से। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। बगा गट्टू और चिंकी अभी अभी स्कूल से घर आए थे और टीवी देखते हुए लंच कर रहे थे, तभी डोरबेल बजती है। मम्मी जाकर गेट खोलती है। उनकी एक बहुत अच्छी फ्रेंड आज काफी दिनों के बाद घर आई थी। नमस्ते आंटी। नमस्ते बच्चों, कैसे हो तुम दोनों? हम बहुत अच्छे हैं आंटी। आंटी हम बहुत अच्छे हैं। आंटी के साथ में उनकी बेटी पीहू भी आई थी। पीहू चलो सबको हेलो बोलो। हेलो आंटी, हेलो गट्टू भैया, हेलो चिंकी दीदी। हेलो पीहू, आओ हमारे साथ आके बैठो, साथ में टीवी देखो आओ। फिर मम्मी और आंटी आपस में बातें करने लगती हैं और गट्टू चिंकी और पीहू मिलकर टीवी देखते हैं। थोड़ी देर बाद मम्मी आके गट्टू चिंकी से कहती है, बच्चों मैं और आंटी शॉपिंग पर जा रहे हैं, तुम दोनों को थोड़ी देर के लिए पीहू का ध्यान रखना होगा, हम 3-4 घंटे में वापस आ जाएंगे, ठीक है? ठीक है मम्मी, हम दोनों मिलकर पीहू का अच्छे से ध्यान रखेंगे, है ना चिंकी? हाँ बिल्कुल, मम्मी आप आराम से शॉपिंग करके आइए। ठीक है बच्चों, और हाँ आते वक्त मैं तुम सब के लिए आइसक्रीम लेकर आऊंगी। ये ओके मम्मी। फिर मम्मी और आंटी चले जाते हैं। कुछ देर तो गट्टू चिंकी और पीहू मिलकर टीवी देखते हैं, पर पीहू बहुत जल्दी बोर हो जाती है और उसे भूख भी लग जाती है। चिंकी दीदी मुझे भूख लग रही है। ओ हाँ तो पीहू मैं अभी तुम्हें खाना दे देती हूँ, मम्मी ने आज बहुत टेस्टी खाना बनाया है। नहीं मुझे खाना नहीं खाना, मुझे तो बर्गर खाना है। क्या बर्गर? अरे पर हम बर्गर कहाँ से लाए पीहू? नहीं मुझे तो बस बर्गर ही खाना है और कुछ भी नहीं। फिर पीहू बर्गर की जिद पकड़ लेती है, तभी डोरबेल बजती है। गट्टू जाके देखता है तो गेट पर पापा खड़े थे। अरे पापा आप आज जल्दी आ गए घर। हाँ गट्टू आज मुझे हाफ डे मिल गया तो मैं जल्दी घर आ गया। पापा पीहू को रोते हुए देखते हैं तो पूछते हैं कि क्या हुआ। तब चिंकी कहती है, देखिए ना पापा ये पीहू मान ही नहीं रही है, अब भला हम इसे बर्गर कैसे खिलाएं? अरे तो क्या हुआ बच्चों, अगर उसे बर्गर खाना है तो ठीक है, चलो उसके लिए बर्गर ही बना देते हैं। अब तो मैं आ गया हूँ ना, तो अब हम सब साथ में मिलकर बर्गर बनाते हैं। फिर क्या था, पापा गट्टू और चिंकी किचन में जाते हैं और काम पे लग जाते हैं। गट्टू चलो तुम जल्दी से सारे इंग्रेडिएंट्स निकाल कर एक जगह पे रखो। ओके पापा। और चिंकी तुम मुझे बताओ कि आज हमें बर्गर में कौन कौन सी सॉसेस डालनी है। पीहू तुम भी बताओ बेटा तुम्हें कैसा बर्गर खाना है। वो अंकल मैं स्पाइसी बर्गर नहीं खा पाऊंगी, तो आप कोई भी स्पाइसी सॉस मत डालना प्लीज। ओके पीहू मैं चिली सॉस हटा देती हूँ। अच्छा बताओ तुम्हें तंदूरी मेयोनीज पसंद तो है ना? हाँ वो तो मुझे बहुत पसंद है, वो जरूर डालना। पापा ये लीजिए मैं बन और वेजिटेबल्स लेकर आ गया हूँ और बटर भी। वेरी गुड गट्टू। चिंकी और पीहू मैंने आलू बॉईल कर दिए हैं, अब तुम दोनों मिलकर इनको छिलो, तब तक मैं वेजिटेबल्स कट कर देता हूँ। गट्टू तुम एक काम करो, ये मेयोनीज और टमाटो सॉस को मिक्स करके अपना वाला स्पेशल टैंगी सॉस बनाओ। ओके पापा। ये लो पीहू तुम ये मटर छील दो, तब तक मैं आलू छीलती हूँ। इसी तरह गट्टू चिंकी पापा और पीहू मिलकर बर्गर बनाते हैं। चिंकी की नजर पीहू पे जाती है। पीहू मैं देख रही हूँ कि तुम मटर छीलने से ज्यादा तो खुद ही खा रही हो। अरे सॉरी सॉरी। फिर पापा आलू पैटी को पैन में फ्राई करने लगते हैं। पापा क्या हम पैटी को डीप फ्राई नहीं करेंगे? नहीं गट्टू, अगर पैटी को डीप फ्राई करेंगे तो वो बहुत ज्यादा ऑयली हो जाएगी और इतना ज्यादा ऑयल खाना हमारे लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होगा। हाँ गट्टू हमें टेस्ट के साथ साथ हेल्थ का भी तो ध्यान रखना चाहिए। हाँ तुम सही कह रही हो चिंकी। ओ हाँ याद आया, पापा आप प्लीज मेरे बर्गर में अनियंस मत डालिए क्योंकि मुझे अनियंस बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ओके चिंकी मैं ध्यान रखूंगा। काफी देर की मेहनत और बातचीत के बाद बर्गर फाइनल बन के रेडी हो जाता है। आखिरकार हमारा बर्गर बन के तैयार हो ही गया, चलो अब इसे सर्व करते हैं। पापा बर्गर प्लेट में लगाते हैं कि तभी डोरबेल बजती है और गट्टू भागकर जाके दरवाजा खोलता है। अरे वाह मम्मी आप बिल्कुल ठीक टाइम पर आई है, हम लोग बस बर्गर पार्टी करने ही जा रहे थे, अब आइए साथ में मिलकर खाते हैं। अरे ये क्या हो रहा है, पर मैंने खाना बनाया तो था,
तो आप सबने ये बर्गर क्यों बनाया? हाँ, पर मम्मी पीहू को बर्गर ही खाना था, वो जिद कर रही थी और कुछ खा ही नहीं रही थी। अरे पीहू, ये तो बहुत गलत बात है बेटा, तुमने सबको परेशान क्यों किया? तुम्हें खाना खा लेना चाहिए था ना बेटा। अरे नहीं नहीं, इसमें परेशानी कैसी, अच्छा ही है ना, अब हम सब मिलकर बर्गर पार्टी करेंगे। सिर्फ बर्गर पार्टी ही नहीं, आइसक्रीम पार्टी भी। मैं सबके लिए स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम लेकर आई हूँ। ओह वाओ, स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम, वो तो मेरी फेवरेट है, आज तो बहुत मजा आएगा। चलिए अब आप लोग आराम से बैठिए, बहुत काम कर लिया आप सबने, आगे का काम हम लोग संभाल लेंगे। हाँ भाई, मैं तो सच में थक भी गया हूँ। फिर सब साथ में बैठकर बर्गर और आइसक्रीम एंजॉय करते हैं। अरे वाह, ये बर्गर तो सच में बहुत टेस्टी है। हाँ, पीहू की जिद की वजह से हमें भी इतना अच्छा बर्गर खाने को मिल गया। थैंक यू थैंक यू, प्लीज एंजॉय योरसेल्व्स। गट्टू चिंकी और पीहू ने काफी मेहनत की है आज मेरे साथ। ओ, मुझे तो लगता है कि पीहू ने हेल्प से ज्यादा आप लोगों का काम बढ़ा दिया होगा। अरे नहीं नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं, क्यों पीहू, है ना? हाँ, अब तो मैं पक्का समझ गई हूँ कि पीहू ने कितनी हेल्प की है। अरे पीहू की सबसे बड़ी हेल्प तो यही थी कि उसने ये जिद की, वरना ये पार्टी हो ही कहाँ पाती। फिर सब लोग पीहू की तरफ एक साथ देखते हैं और वो एक भोली भाली प्यारी सी स्माइल दे देती है, और इसी के साथ आज बर्गर पार्टी एंड होती है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।